1 2 3 রবি আর সুজনব বল ঘুমো তো জৈনব গির গই হ্যালো এভরিওয়ান সো ওয়েলকাম টু অফিসার ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ সো আজ কা ব্লগ বহুত 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 মজা করনে ওয়ালা হ্যায় কিউকি আজ কা মেরা মেইন ব্লগ জৈনব কে সাথ কা মেরে অর জৈনব কে বিচ মে হোগা এক बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीतेगा आपको बाद में बताती हूँ बहुत फन है बहुत फन है मैं जीतने वाली हूँ तो देखते हैं बहुत मजा आने वाला है सो लेट्स गो अभी फिलहाल मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ प्रोडक्ट्स की वीडियो ये भी फेमस हो गई है ना थोड़ी बहुत लोग इसके भी करवा लेते हैं ऐसे लोगों ने मुझसे करवाई थी मैंने कहा नहीं करनी तो फिर उन्होंने इसे करवाई जैनब बहुत फेमस हो गया यार सो मैं जैनब की वीडियो बनाती हूँ ठीक है उसके बाद फिर अभी एक्चुअली जैनब बन रही है एक स्कूल की बच्ची तो इसके वीडियो बनाते हैं फिर हम आपको कंपटीशन के बारे में रिवील करते हैं क्या हुआ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल हम जैनब को बना रहे हैं स्पोर्ट्स गर्ल ठीक है ये पकड़ेगी कुछ हमारे पास गर्ल्स बैडमिंटन है आप लोगों को पहले बता दूं यहाँ से निकालो बैडमिंटन कहाँ पर है गंदा सामान सारा जुड़ा पड़ा है तो अब हम लोग फाइनली अपना जो वो चैलेंज है वो स्टार्ट करते हैं उसके लिए थोड़ा सा हमें फुल गुंडों वाला तैयार होंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको समझाती हूँ हमने करना क्या एक्चुअली में फाइनली अब मैं रिवील करने लगी हूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली करना क्या है इस चैलेंज का नाम होगा जैनब वर्सेस रबिया ठीक है सो इसमें ये होगा कि मैं और जैनब जो है दोनों ब्लाइंड फोल्डेड होंगे ठीक है और हम लोग जो है ना हम लोगों ने मैं डिफरेंट जगहों पर जो है ना घर के तीन जगहों पे मैं कैंडल्स छुपाऊंगी ठीक है मतलब 6 कैंडल्स छुपाऊंगी ठीक है 3 जैनब की होंगी और 3 मेरी होंगी ठीक है वो 3 कैंडल्स 3 कैंडल्स सबकी जगह मैं बता दूंगी जैनब तुम्हारी कैंडल्स यहाँ पे छुपी है मेरी यहाँ पे छुपी है ठीक है हम लोगों की ब्लाइंड फोल्ड होकर हम लोगों ने ब्लाइंड फोल्ड होकर वो कैंडल्स ढूंढनी है हमें पता होगा कहाँ पर है पर ब्लाइंड फोल्ड होकर इससे मुश्किल होगी थोड़ी सी ठीक है तो हम लोगों ने वो कैंडल्स ढूंढनी है और फिर हम लोगों ने वो छत के ऊपर वाले सबसे छत पे ऊपर जाना जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो विनर होगा ठीक है सो देखते हैं कि कौन जीतता है बहुत मजा आएगा ओके जैनब सो आर यू एक्साइटेड तो अभी फुल गुंडे वाला रेडी हो जाओ ठीक है yeah. मैं भी फुल गुंडे वाला फुल वो वाला ना जो यहाँ लगा के फुल शक्तिमान रबिया वर्सेस जैनब और जो विनर होगा उसको मिलेंगे 5,000 rupees सो आप लोग एक्साइटेड है कि कौन जीतेगा एक्साइटेड हो मैं जीतूंगी तो सबसे पहले हम लोग बता दें कैंडीज हमने कहाँ कहाँ रखी है मेरे घर का कबाड़ा तो नहीं है नहीं घर का कबाड़ा नहीं है 3 कैंडीज है मेरे जैनब की और 1 कैंडी मैं रखूंगी वो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कहाँ कहाँ रखनी है और गाइस तो हमारे होने लगी है ट्रांसजेंडर हम लोग फुल गैंगस्टर्स वाला रेडी होने लगे सो 1 2 3 जंप ओ भाई जंप करना है इधर 1 2 3 और गाइस तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये होगा रबिया वर्सेस जैनब तो चलो अब हम लोग कैंडी सेट करते हैं ठीक है और स्टार्ट करते हैं और गाइस तो मेरे पास आ चुकी है 6 कैंडीज और ये 5,000 का रुपीस 5,000 जो मैं थर्ड पोर्शन पे रखूंगी जो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे जाके आप जब 5,000 पकड़ लोगे तो आप जीत जाओगे ठीक है तो वो जो पहले पहुंचेगा 5,000 उसके हो जाएंगे ठीक है अभी कैंडीज एक एक मैं छुपाऊंगी नीचे वाले पोर्शन में दोनों के लिए एक एक उससे ऊपर वाले और एक एक उससे ऊपर वाले ठीक है और यार तो ये एक कैंडी मैं जैनब को दूंगी एक मुझे दूंगी कि जैनब मेरी वाली छुपाएगी और मैं जैनब वाली फिर हम एक दूसरे को जगह खुद बताएंगे कि मैं तुम्हारी यहाँ छुपाई है वो बोले कि मैं तुम्हारी यहाँ छुपाई है फिर हम लोग खुद ढूंढेंगे तो ये लो तुम मैं छुपाओगी और मैं तुम्हारी छुपाऊंगी ठीक है रुको एक्चुअली मैं कैंडीज हैं जैनब 6 ठीक है तो तुम्हें मैं 3 दे रही हूँ तुमने 3 एक ऊपर वाले एक इस पोर्शन में एक सॉरी एक इस पोर्शन में एक ऊपर वाले और एक ऊपर वाले तुमने मेरे लिए छुपानी है फिर मैं तुम्हारी लिए छुपानी है ठीक है और तुमने क्या करना है उसके बाद हमने एक दूसरे को जगह बता देनी कि मैंने तुम्हारी ये वाली यहाँ पे छुपाई है यहाँ पे छुपाई यहाँ पे छुपाई है ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं और ऐसा जैनब की जो एक कैंडी है वो मैं छुपा रही हूँ एक यहाँ पे छुपा रही हूँ ठीक है एक मैंने यहाँ पे छुपा दी है और जो दूसरी कैंडी है जैनब की वो मैं छुपा रही हूँ फ्रिज में ये ओके सो थर्ड पोर्शन जो थोड़ा सा हॉरर है हमारे घर में ठीक है थर्ड पोर्शन में कहाँ छुपाऊँ देखिए एट दी एंड तो मैंने उसको जगह बतानी है ना क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्ड होगी बट मैं ऐसी जगह छुपाई था कि ब्लाइंड फोल्ड होकर उसको मुश्किल हो ढूंढने में ओके तो मैं छुपाती हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हम जैनब की कैंडी छुपा देते हैं ओके अब जो 5,000 है ना वो हम लोगों ने छुपाना है वो छुपाना नहीं है खैर वो यहाँ पर हम लोग रखेंगे जहाँ पर चोरी भी ना हो खैर ओके तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया 5,000 का बट यहाँ पर उड़ ना जाए कहीं और रखते हैं जैनब कुछ ठीक है यहाँ फंसा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे आके जो सबसे पहले ये 5,000 का नोट लेके जाएगा वो विनर होगा ओके कैंडीज भी ढूंढनी है 5 भी नहीं हाँ। अगर कैंडी ना ढूंढो और पहले 5 ले जाऊँ तो नहीं आउट है तीनों कैंडीज और 5
तो वो तो मेरी है, छुपाओ जहाँ मर्जी छीटे मैं नहीं देखती। तुमने थर्ड फ्लोर पे छुपा दी? हाँ मैंने छुपा दी इसी फ्लोर पे। हाँ मैंने इसी फ्लोर पे छुपाई है। पक्का? तीनों कैंडीज और 5000 के साथ जब तुम होगी तब जीतोगी, समझ आई है? ओके तो गाइस मैं राबिया की जो है ना ये वाली कैंडी मैं छुपाऊंगी इसके अंदर। इग्नोर करो बहुत गंदा हो रहा है। कहाँ छुपाऊं? काम करते इसके पीछे छुपा देते, उसे नजर ही नहीं आएगी। सही है, हम यहाँ छुपा देते हैं। अब वो खुद ढूंढेगी ढूंढेगी, गिरेगा ये सामान जो भी होगा। दूसरी हम कैंडी छुपाते, ओ एक एक पोर्शन में छुपानी है, अब दूसरी हम ऊपर छुपाएंगे। सही। अच्छा तो अब हम लोग राबिया भी ऊपर ही है, कैंडी राबिया इधर तो नहीं है, बस यहाँ कहीं हम लोग छुपाते हैं इसके यहाँ पे, कभी भी नहीं मिलेगी इसे। अब देखते हैं और जगह छुपाते। ओके सबसे पहले जैन मुझे बताओ तुमने मेरी कहाँ कहाँ छुपाई है, फिर मैं तुम्हारी बताऊंगी। ठीक है मुझे बताओ। नीचे वाली कमरे का शीशा है ना, हाँ अलमारी वाला, हाँ उसके 1 2 3 4 चौथे वाली लाइन के अंदर छुपाई है, देख लेना। ओके ठीक है। और दूसरी मैंने छुपाई है, टेरेस वाला रूम है ना, हाँ उसके वो दराज है ना ब्राउन कलर के, हाँ कलरफुल नहीं ब्राउन वाले, हाँ उसके ऊपर एक शूज वाला डब्बा है उसमें। ठीक है। और थर्ड वाली? थर्ड वाली मैंने छुपाई है, थर्ड पोर्शन पे वो जो वो नहीं है स्टील का, हाँ, गंदुम रखते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसके ऊपर एक वो कपड़ा उस पे रख दिया। अब मेरी सुन लो, मैंने तुम्हारी छुपाई है एक ये जो हमारे सामने वाली खिड़की है ना डाइनिंग में, उस खिड़की के नीचे कहीं रखी हुई है मैंने। ठीक है, खिड़की के अंदर है कहीं। और ठीक है, एक ऊपर वाले पोर्शन में फ्रिज के ऊपर, सबसे ऊपर वाली फ्रिज के अंदर है। ठीक है, और थर्ड पोर्शन ब्लू अलमारी के ऊपर है। ठीक है, फ्रिज के अंदर मतलब ऊपर वाले खाने में, ऊपर वाले खाने में अंदर, हाँ समझ आ गई। थर्ड में ब्लू अलमारी के ऊपर, ब्लू अलमारी है वहाँ पर। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। ज़ैनब अपना कैमरा ऑन करेगी, मैं अपना करूंगी। ओए गाइस तो ये दो दुपट्टे हैं, ठीक है, ये एक मैं ज़ैनब की आंखों पर बांधूंगी और ज़ैनब मेरी आंखों पर बांधेगी। तो चलो बांधते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इस गेम का रूल है कि चिटिंग नहीं आप कर सकते, अपनी पट्टी हिलानी नहीं है, क्योंकि कैमरा 24/7 कैमरा आपके हाथ में होगा। हम दोनों के हाथ में मैं कैमरा पकड़ा दूंगी, हम लोग ब्लाइंड फोल्ड होकर लॉगिंग करेंगे, तो ये बहुत फन वाली बात है, बहुत मजा आएगा। ओके हमने ब्लाइंड फोल्ड हो गया, फातिमा को हमने कहा है कि हमें कैमरा पकड़ा है अच्छे तरीके से, और फिर हमें तुमने पापा कहीं छोड़ा ना था कि हम भूल जाएं कि हम कहाँ पे हैं, समझ आई? चांद पे छोड़ो जैसे इंडिया पहुंच गया चांद पे, हमें ना टच करके ढूंढना है कि हम कहाँ पे। ज़ैनब को फिर मुझे पकड़ा दो हाथ पे कैमरा, बचती ना फिर ना कहीं, पकड़ो नहीं पकड़ो इसको ऐसे, अच्छा ऐसे। और गाइस अब मजा आ रहा है, चलो ज़ैनब तुम भी अब कर लो अपना जो करेगा, फोन दो ना तुम्हारा अपना, फोन करो ना उसको, मैंने पकड़ा है, उसके साथ जुड़ जाओ बस, दोनों हाथ बांध लो। बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। इसको भी ऑन करके दे दो, इसके हाथ में अलग कैमरा, मेरे हाथ में अलग कैमरा, क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग जगह पे छुपाया। मुझे तो दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, ये है मेरा कैमरा। मम्मा मैं छोड़, मुझे वैसे याद तो है मैं कहाँ हूँ, खैर फाइनली मैं अपने कमरे में पहुंच गई हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है ज़ैनब ने यहाँ पे बेड है शायद, हाँ इधर ज़ैनब ने कहाँ कहा था, इस अलमारी में छुपाई थी, उसने कहा था मैंने खिड़की के कहीं नीचे छुपाई है, शीशे वाली अलमारी, शीशे वाली अलमारी की तरह ये। अब इधर कहाँ है कैंडी मुझे नहीं समझ, खिड़की के अंदर छुपाई थी मैंने। ऊपर या कहाँ? यार कैंडी किधर है यार? राबिया? हाँ ऊपर या किधर? नीचे राइट साइड पे, राइट पे। मेरा ही बताओ, मिल गए। एक मिल गई, एक मिनट मेरी, फिर बताओ कौन से खाने में थी? था ऊपर से लेकर फोर्थ वाले पे, ऊपर है यार। मेरी मुश्किल है यार, मेरा हाथ थक गया, ये कहाँ होगी?
मम्मा सामान देता है। ज़ैनब परफ्यूम्स वाले में कहाँ रखा था तुमने मेरा? यार मैंने तुम्हारा ऊपर से लेकर ना, मुझे क्या पता ऊपर से लेकर कहाँ जाते पागल है? मैं ऊपर जा रही हूँ, बाय। मैं चढ़ रही हूँ मम्मा स्टेयर्स। आई एम अ प्रोफेशनल, आराम आराम से पहुँच जाऊंगी। उसने कहा था मैंने फ्रिज की वहाँ रखी है। आइडिया तो और है मुझे, रुकी रुकी अब लेट्स सी इतनी लंबी क्यों हो गई है स्टेयर्स। पहुँच गई। दरवाजा कहाँ है? ये खुल क्यों नहीं रहा? लेट्स गो, उसने रखी है फ्रिज में। जाते हैं जल्दी जल्दी यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भूल गई किचन कहाँ है। रुको, किचन कहाँ है? ये रहा किचन। हाँ उसने कहा था ऊपर वाले पोर्शन। आओ ढूंढते हैं ये कहाँ रखी है ब्रो। ये तो चीटिंग होती है ब्रो, मुझे नजर नहीं आ रही। ये है, मिल गई। अब हम चलते हैं थर्ड पोर्शन पे। मैं तो जीत गई हूँ बच्चों, लेट्स गो। होपफुली आराम से। ये कितनी ठंडी हो गई है। सामने तो नहीं है कुछ, तो मतलब मुझे जाना है ऊपर। कहाँ है इसका ब्रो? गिरा। अब हम जाते हैं ऊपर। मेरी दूसरी वाली वहाँ है। लेट्स गो लेट्स गो, हम चलते हैं। और गैस तो पता नहीं ज़ैनब कहाँ गई है, और खुद वो जीत भी गई है। मुझे देखा था उसने कहा फोर्थ वाले में। ओ मिल गई। फाइनली मुझे पहली कैंडी तो मिली है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। और गैस अब मैं नेक्स्ट जाना है ऊपर। फर्स्ट कैंडी हमें मिल चुकी है ज़ैनब, मुझे लग मम्मा एक मिली है अभी। यार हैंडल खुल गया। और गाइस पहली जिंदगी में पहली दफा मैं ब्लाइंड फोल्ड, और मुझे ना आसपास हाथ रख रख के जाना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ भी बहुत जोर का लग सकता है। तुम्हारी हैंड फ्रीज कहाँ पड़ी है? मेरी हैंड फ्रीज कमरे में, देखो मेरे। नहीं वो हैंड फ्रीज ज़ैनब के पास है, हेडफोन। ओके तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। और यार मुझे नहीं पता ऊपर कैसे जाना है यार। हाय अल्लाह, मैंने नहीं, वैसे एक बात बताऊँ, मैंने ना लगता है गलत ले लिया सामना। ऊपर से मेरा हाथ भी थक रहा है। इसने कहा था इसे टेरेस वाले कमरे में छुपाया। मैंने इसका इतने ज़ैनब मिल गया, मेरी मिल गई फ्रिज वाली। ये ऊपर जा रही हूँ, पैसे लेने लगी हूँ। वाह यार, तो ज़ैनब जीत रही है। पैसे कहाँ थे? कुछ लगना चाहिए ब्रो। ऊपर ब्लू अलमारी के ऊपर। अच्छा मैंने इसका सामान दिखाया था, अल्लाह मुझे तो सेकेंड वाले मिल जाए, मैं फिर भाग कर जो है ना। ढूंढ भी लिया अपनी। तो गाइस ज़ैनब को मिलते हैं 5000 रुपीज़ जो उसने ढूंढे। और बहुत गर्मी है, ये अपने घर पे ट्राई ना करना, बहुत डेंजरस है। क्योंकि ज़ैनब को पता है पाँव पे लगा चीखे मारी इसने। ये आइडिया तो मेरा था। तुझे जूते पड़ने चाहिए तेरे आई। विक्ट्री डांस हो जाए। मम्मा नहीं, मैं बताती हूँ। ज़ैनब ने मुश्किल जगह पे छुपाया मेरा वो अलमारी में, मुझे देख रहे थे पता नहीं लगे इसने कहाँ छुपाया था, इतनी मुश्किल से मिला मैंने इसका इतनी इजी जगह पे। और गाइस सारे कमेंट सेक्शन में मेरी साइड लेके राबेक नाइंसाफी, उसने मुश्किल जगह पे छुपी थी, बट पता नहीं ज़ैनब ने कैसे सब कर लिया। ब्रो तुमने जो वहाँ पे छुपाई थी, मैं हाथ मार मार, मेरे हाथ इतने मिट्टी से भर गए हैं। ज़ैनब का चलो ठीक है मानते हैं। So, hope so, हाँ. मुझे किचन मिल ही नहीं रहा था, मैंने कहा किचन का लोग देख लेंगे जो तुमने वीडियो बनाई है। फिर मैंने देखा कि हर तरफ दीवारें हैं। हाँ तुम इन्हें कोई चैलेंज रख लिया करो, इससे पैसे लिया करो, अपने स्कूल का पूरा टोटली और एक बार आ जाता है। हाँ अब कैमरा बंद करके को वापस दो, कोई नहीं देती ज़ैनब क्या है। ठीक है मुझे मिली है सिर्फ कैंडीज,
होप सो कि आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।